हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है, ये मुझे प्रशासन ने बताया, लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है, ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में। इसलिए ये जिस प्रकार से भी चल रहा है ये कठोरतम कार्रवाई इस पे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम गर्व करते हैं उस पर, लेकिन अगर इस प्रकार का विधायक है तो मैं पार्टी से मांग करूंगी, शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि इसको तत्काल इसके पद से हटाना चाहिए। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया है, लेकिन ये गुस्सा लोकसभा टिकट कटने का नहीं बल्कि बीजेपी के ही सीहोर से आने वाले विधायक सुदेश राय के खिलाफ है। प्रज्ञा का आरोप है कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले सीहोर के खजूरिया कला में स्कूल के ठीक सामने विधायक जी की अवैध शराब की दुकान है, जिसे हटाने के लिए उन्होंने पहले ही निर्देश दिए थे। कुछ बच्चियां आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के सामने ठेके की दारू के ठेके की दुकान है, तो दारू का ठेका चलता है, वहीं लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और बड़ी दुखी होकर के आंसू भर के उन्होंने मुझे कहा कि इस प्रकार का यहाँ करते हैं, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। महिलाओं ने कहा दारू पी के शाम को हमारे घर में घुसते हैं लोग, हो ही नहीं सकता वहां लाइसेंस, क्योंकि सामने स्कूल है, उसके बाजू में सरकारी स्कूल भी है और लड़कियां वहां से जाती है मेन रोड पे, सिर्फ रोड बीच में है, सामने स्कूल और इस तरफ ठेका, ऐसा नियम में है ही नहीं। और फिर वो सांसद का आदर्श ग्राम है, आदर्श ग्राम में दारू का कुछ भी ठेका या गैर कानूनी कानूनी किसी प्रकार से होना ही नहीं चाहिए, ये नियम है। उसके बावजूद प्रशासन ने हमें छुटलाया और हमें वीडियो बना करके भेजा कि हम यहाँ अब ठेका हमने बंद करवा दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि इस मामले में आबकारी विभाग के एक अधिकारी की मिलीभगत थी, उसे सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले अवैध ठेका हटाने के बारे में उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। प्रज्ञा ठाकुर अब बीजेपी विधायक सुदेश राय पर कार्रवाई की मांग कर रही है। हमारी सुदेश राय जी से कोई विरोध नहीं है, हमारा सुदेश राय जी से अच्छे संबंध है, लेकिन अगर इस प्रकार की गतिविधियां उनकी गैर कानूनी वहां चल रही हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर किसी बच्ची के साथ कोई असामाजिक तत्व दारू पी करके कोई घटना कर देता है तो मुझे लगता है वो जिम्मेदारी मेरी होगी। इसलिए मैं कहती हूं कि मैं पार्टी से भी मांग करूंगी कि इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का ये आदर्श हो ही नहीं सकता। आखिर जिस विधायक सुदेश राय पर प्रज्ञा भड़की वो है कौन? सुदेश राय दो बार से बीजेपी के विधायक हैं, इससे पहले वो निर्दलीय चुने गए थे। राय परिवार का शराब का कारोबार है, लेकिन परिवार दावा करता है कि सुदेश राय सिर्फ रियल एस्टेट का काम करते हैं और सीहोर से भोपाल जाने वाले रास्ते पर उनका एक वाटर पार्क भी है, हालांकि उनके भाई शराब का कारोबार देखते हैं। सुदेश राय पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी भी हैं और भोपाल के पावर कॉरिडोर में ये बात आम है कि पार्टी की फंडिंग में राय कितनी मदद करते हैं। पता चला कि प्रज्ञा ठाकुर और सुदेश राय की पहले से ही नहीं बनती है, हालांकि प्रज्ञा ठाकुर ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि टिकट कटने के बाद वो इतने मुखर होकर क्यों बात कर रही हैं? बता दें कि बीजेपी ने शनिवार 2 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें भोपाल से मेयर रह चुके आलोक शर्मा को टिकट दिया गया, यानी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया। टिकट कटते ही हर कोई गोडसे पर दिए गए उनके बयान को याद करने लगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो उन्हें कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं की गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर ने 2019 में भोपाल की सीट से हैवीवेट दिग्विजय सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर के आरोपों के बाद अपने विधायक पर कार्रवाई करती है या नहीं, या फिर प्रज्ञा ठाकुर कोई दूसरा कदम उठाती है। मैं आज छोड़ने को तैयार हूँ इसको, मैं इस प्रकार का कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम सोनल है। आप प्रज्ञा के बयान पर इस मामले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।